we have completed up to non-cooperation participation. Okay, participation in the middle by the middle class and participation by the countryside people. In which we have completed participation of peasants, participation of tribals and plantation workers. Till that I have covered. Now after that, we will now discuss about the calling off or withdraw of non-cooperation movement by Mahatma Gandhi. Why he called off non-cooperation movement in 1922? Basic reason was violent people in the movement and सबसे ज्यादा जो violence की news Mahatma Gandhi को कहाँ से मिली? चोरी चोरा place कहाँ पे है ये? Gorakhpur district, state का नाम Uttar Pradesh. Here चोरी चोरा is a place in the Gorakhpur district in the Uttar Pradesh. क्या हुआ था यहाँ पे? Some angry people they burned the police station. उन्होंने क्या किया? Police station को burn किया. और उसमें 22 ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स दे वर किल्ड दे वर बर्न्ड एंड जब महात्मा गांधी को इसकी न्यूज़ मिली ही बिकेम वेरी एंग्री ही वाज शॉक्ड एंड बिकॉज़ हिज थ्योरी वाज नॉन वायलेंस बट पीपल दे टुक वायलेंट मेथड्स सो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी जी ही विथड्रू कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट यानी कि मूवमेंट को वापस ले लेना और लोगों को ट्रेंड करना कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लियर तो अब इस मूवमेंट के बाद यानी कि जब ये मूवमेंट बंद हो गई साथ ही आपसे ये भी जो हमें क्वेश्चन आ सकता है why this slow down क्यों हो गई यानी कि 22 के बाद ये slow down हो गई reason क्या था many people they were fed up from the movements second आपने बताना है खादी was very expensive third आपने बताना है many people they wanted alternate ways यानी कि कुछ लोग जो थे वो alternate ways चाहते थे वो constitution यानी कि elections में participate करके Britishers को अपनी problems बताना चाहते थे उनका ये मानना था कि सत्याग्रह एंड मूवमेंट से वो थक चुके हैं एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अब हम करेंगे आगे 1922 के बाद की डेवलपमेंट व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हो गई पार्टिसिपेशन लेस क्यों हो गई इसका रीजन क्या था पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द मूवमेंट्स फ्रॉम द सत्याग्रह उनको कितने लंबे टाइम पीरियड से 1916 से वो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे ठीक है कब तक आप पार्टिसिपेट करोगे एटलीस्ट कभी तो नॉर्मल लाइफ आपको स्पेंड करनी पड़ेगी दिस वाज द रीजन सेकंड आपने बताना है खादी वाज वेरी एक्सपेंसिव अगर उन्होंने ब्रिटिश स्कूल्स को छोड़ा या फॉरन क्लोथ को बर्न किया या बॉर्न फायर में फॉरन चीजों को जलाया तो उनके पास अल्टरनेट इंडियन क्लोथ भी होना चाहिए लेकिन उस टाइम पीरियड में पुअर पीपल कुडंट अफोर्ड खादी पुअर पीपल जो थे वो खादी अफोर्ड नहीं कर सकते थे दैट्स व्हाई बहुत से लोगों ने मशीन मेड क्लोथ जो सस्ता था उसको फिर से खरीदना शुरू कर दिया टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में फिर से जाना शुरू कर दिया क्योंकि हमारी कंट्री में कोई भी अल्टरनेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे ठीक है और आपने ये बताना है मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट मेनी पीजेंट्स फार्मर्स ट्राइबल्स प्लांटेशन वर्कर्स दे स्टार्टिंग अटैक ऑन डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड दैट्स व्हाई चोरी चोरा इंसिडेंट दिस वॉज द रीजन व्हाई मूवमेंट स्लो डाउन क्लियर है कर लोगे ये इजी ओके उसके बाद अब हमने डेवलपमेंट्स करनी है 1922 के बाद क्या हुआ यानी कि 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 22 में इसको बंद कर दिया उसके बाद अब आगे क्या अब 1922 के बाद दो तीन आपने नेम जो है वो नेम याद रखने हैं एक तो याद रखना है आरएसएस एक रखना है सीपीआई और एक रखना है स्वराज पार्टी मैंने अभी आपको बताया सम पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द मूवमेंट्स दे वांटेड सम डिफरेंट वे तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1922 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको बोलते हैं आरएसएस आरएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो सोशल सर्विस करते हैं राष्ट्रीय एक बेसिकली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मतलब शाखा बहुत से बच्चों ने इसका नाम सुना होगा फिजिकली ट्रेन करना सोशल सर्विस ठीक है काइंड ऑफ आरएसएस का मतलब क्या होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ठीक है इसकी एग्जिस्टेंस यानी कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी ये बनी ठीक है इसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी ही कंट्री के लोगों के लिए सोशल सर्विस या उनको फिजिकल ट्रेनिंग देते थे और उनको इस चीज के लिए ट्रेन किया जाता था कि अपने हिंदू कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना ठीक है
देन सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. आज आपने पॉलिटिकल पार्टीज में जो चैप्टर पढ़ते हो सीपीआई, इसकी इसका ओरिजिन कब से है, यानी कि 1922 के बाद सीपीआई का ओरिजिन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कम्युनिज्म यानी कि मार्क्स लेनिन के आइडियाज के ऊपर बेस्ड थी, जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स को सपोर्ट करते थे. उसके बाद स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी 1922 में बनी, कौन से ईयर में, 1922, और इनके दो मेन लीडर के नाम याद रखो, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू. कौन थे मोतीलाल नेहरू? फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी अलग से पार्टी बनाई. ये कांग्रेस से अलग हो गए, ये भी कांग्रेस से अलग हो गए, ये भी कांग्रेस से अलग थे, ये भी कांग्रेस से अलग थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि कांग्रेस जो है अब मूवमेंट्स में जो ज्यादा बिलीव करते हैं, तो इसलिए अपनी अलग से वे आउट निकालना चाहते थे. तो इनका जो है वो वे आउट डिफरेंट था. इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 22, 23, 24, 25 ये कुछ कंटिन्यू ईयर ऐसे थे जिसमें महात्मा गांधी जी ने कोई लार्ज स्केल मूवमेंट जो है उसको एस्टेब्लिश नहीं किया. फिर टाइम आया हमारी कंट्री में 1927 का इंपॉर्टेंट ईयर, जो ईयर साइमन कमीशन से रिलेटेड. 1927 में लंदन में एक कमीशन बना जिसको कहा जाता है साइमन कमीशन. साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नाम के ऊपर इनका नाम था, इसलिए इसको कहा गया सर जॉन साइमन साइमन कमीशन. इस कमीशन को लंदन में बनाया गया लंदन गवर्नमेंट के द्वारा, और इस कमीशन का मेन टारगेट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को चेंज करके रिफॉर्म करना, ताकि इंडियंस को जो इंडियंस चाहते हैं उनकी डिमांड्स, उनके कुछ लॉस, नए लॉ बनाए जाए, क्योंकि रॉयल एक्ट भी इसी पर्टिकुलर ईयर में बना था 1919. ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि साइमन कमीशन का मेन मोटिव क्या था, दैट दे दिस कमीशन वांटेड टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स सजेशंस न्यू लॉज इन इंडिया. और टोटल मेंबर्स इंक्लूडिंग सर जॉन साइमन कितने थे 7 मेंबर्स टोटल. अब प्रॉब्लम क्या थी, ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स. अब लंदन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1928 में ये कमीशन कहां पे आएगा, आएगा इंडिया. लेकिन जब इंडियंस को पता लगा दैट साइमन कमीशन इज कमिंग एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस कमीशन इज टू रिफॉर्म some laws and to make some laws for Indians. Indians ne kyun isko retaliate kiya? Because their demand was no Indian member was in it. Isme koi bhi Indian member nahi tha. All the members were Britishers. So that's why when this commission came back in India, jab ye commission 1928 mein India aaya, it was not greeted, welcome proper nahi kiya gaya. And badle mein unko kya dikhaye gaye? Black flags. ब्लैक कलर सौरो, ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, सौरो, सैड. तो ब्लैक कलर के फ्लैग दिखाए गए और उनके ऊपर क्या लिखा गया था, साइमन गो बैक. ठीक है, और जब लोगों ने इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की तो पुलिस ने क्या किया, लाठी चार्ज किया. इसमें एक इम्पोर्टेंट लीडर थे उस टाइम पीरियड में जिन्होंने इसको लीड किया था, लाला लाजपत राय. बाद में काफी इंजर्ड हुए, उसके बाद इसी पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई. ठीक है, तो साइमन कमीशन हमारी इंडियन हिस्ट्री का ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर या इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है. ठीक है, तो ये टाइम था 1928. ठीक है, इसके बाद अब टाइमलाइन यानी कि सेम टाइमलाइन फॉलो करो. पूरा चैप्टर कंप्लीट होने से पहले हम जितना हमारे टॉपिक्स हैं उनको फिर से याद करो, रिकॉल करो, 2 मिनट्स के लिए टाइमलाइन को फिर से लर्न करो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा एक टॉपिक है कि कैसे कंट्री में नई और जो है वो सिचुएशन बनी. फिर हमने बताना है एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी व्हेन ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देन ही स्टार्टेड मेनी सत्याग्रह. 3 सत्याग्रह के नेम, चंपारण, खेड़ा, गुजरात 1916, 1917, 1918. फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919. रॉलेट सत्याग्रह से ही उसी पर्टिकुलर ईयर में हमने क्या पढ़ना है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ठीक है, इसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनको ज्वाइन किया. 1920 को 2 सेशन हुए, एक हुआ कैलकटा में, एक हुआ नागपुर, सितंबर एंड दिसंबर. फिर 1921
फिर उसके बाद 1921 को प्रपोजल पास कर किया, उसके बाद इंप्लीमेंट कब हुआ, ये स्टार्ट कब हुई, 1921 1921 से लेकर 1922 तक ये पूरी जो है मूवमेंट चली, लेकिन 22 में इसको क्या किया गया, ऑल ऑफ। उसके बाद फिर मैंने आपको तीन मेजर डेवलपमेंट्स बताई हैं, आरएसएस, सीपीआई एंड स्वराज पार्टी इन बिटवीन। फिर 1927 शुरू हुआ, 1928 साइमन कमीशन वापस चला गया बिना किसी डिसीजन नए लॉज के, यानी कि अभी भी हमारी कंट्री 1919 का एक्ट फॉलो कर रही थी। उसके बाद फिर अब हम बताएंगे 1928 में जब साइमन कमीशन वापस चला गया, उस कंट्री में हमारी कंट्री के वॉइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन, who was viceroy, यानी कि सबसे टॉप पोजीशन हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स जो थे उनकी वॉइसराय की मानी जाती थी। तो उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में वॉइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, इन्होंने हमारी कंट्री में एक जिसे हम कहते हैं अक्टूबर 1929 हमारी कंट्री को, जब साइमन कमीशन वापस चला गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा एंग्री हो गई इंडियंस से, उनको ये लगा कि इंडियंस जो है वो उनकी किसी भी बात को नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ा पैसिफाई करने के लिए, इंडियंस को अपनी तरफ मिलाने के लिए इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया, एक डोमिनियन कंट्री, डोमिनियन स्टेटस और डोमिनियन कंट्री। डोमिनियन का मतलब क्या होता है, डोमिनियन का मतलब क्या है कि जैसे आज के टाइम पीरियड में इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, विलेज में डिवाइड किया गया है, तो विलेज लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है जैसे आप पढ़ते हो पंच है, सरपंच है, काउंसलर्स है, ठीक है, मेयर है, या जो कंट्री जो स्टेट के डीसी होते हैं, सीएम है, तो ये लोकल अपने लोकल एरियाज को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस के अंडर ये पावर दी दैट इन सम इंटरनल मैटर्स इंडियंस कैन मेक लॉज। डोमिनियन का मतलब होता है कि लोकल लोकल पीपल को कुछ पावर्स दे दी गई, इलेक्शंस कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाएंगे और इन इलेक्शंस में इंडियंस कैन वोट, इंडियंस जो है उनको वोटिंग राइट मिलेगा एंड इंडियंस कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। किनके लिए, प्रोविंस एरियाज, प्रोविंस का मतलब आज के टाइम पीरियड में जिसको स्टेट कहते हैं, पुराने टाइम पीरियड में पूरे इंडिया को 11 प्रोविंसेस में बांटा गया, टोटल कितनी प्रोविंसेस थी, 11। फॉर एग्जाम्पल बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा एक प्रोविंस था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये एक प्रोविंस था, अलग अलग प्रोविंस होते थे, तो ब्रिटिशर्स के अंडर टोटल 11 प्रोविंस थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल, प्रोविंस का मतलब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडियंस जो है दे कैन, तीन चीजें याद रखो, दे कैन वोट, दे कैन कंटेस्ट इलेक्शंस एंड दे कैन मेक लॉज। लेकिन किस लेवल पे, ओनली इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है अपने लोकल लेवल के ऊपर, लोकल लेवल मतलब कंट्री के अंदर। बट साथ में क्या दे दिया उनको, दे हैव टू टेक अप्रूवल, वो जो भी लॉ पास करेंगे उन लॉ के लिए उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स से। इट मीन्स काइंड ऑफ उनको एक पपेट, पपेट का मतलब होता है कि अपने अंडर रखा गया, वो जो भी डिसीजन करेंगे, जो भी लेंगे, फाइनल अप्रूवल तभी मिलेगी, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज द वॉज अंडर द कॉलोनियल लॉ। क्लियर है, इस स्टेटस को क्या कहा गया, क्या बोलते हैं, डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है कि इंडिया को एक ऐसी कंट्री बना दिया गया जो इंटरनल तो अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, लेकिन जो भी वो करेंगे उसकी परमिशन किनसे लेनी पड़ेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो डू यू थिंक एट दैट टाइम लीडर्स वर सैटिस्फाइड, उनको हर जगह हाथ जोड़ के किनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के सामने। क्लियर, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा अपोज किसने किया इसको, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं करूं, पार्टी के प्रेसिडेंट, पार्टी का प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वेग ऑफर, वेग ऑफर का मतलब होता है आधा ऑफर, आधा ऑफर का मतलब अधूरी आजादी, उनका मानना था कि ये तो अधूरी आजादी है। बट कांग्रेस और मैनी अदर लीडर्स एंड मैनी फ्रीडम फाइटर्स दे वांटेड, क्या चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज, इसको ये भी कहा जाता है पूर्ण
स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज, अंदर भी और बाहर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी का सेशन बुलाया, कहां पे? लाहौर सेशन। इसीलिए लाहौर सेशन जो है वो बहुत फेमस था, कौन से ईयर में? अक्टूबर के बाद, दिसंबर। कब बुलाया? दिसंबर। अक्टूबर में वाइसराय ने क्या दिया? डोमिनियन स्टेटस का जो है प्रपोजल दिया, और उसके बाद इसको अपोज कब किया गया? दिसंबर। आईएनसी का सेशन का मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपनी मीटिंग बुलाई लाहौर, एट दैट टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अब ये पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन आप आपके मैप में नहीं है, ये अब आपके मैप में नहीं है ये वाला सेशन। आपके टोटल मैप में कितने सेशन है? नंबर वन पे है 1920, उसमें दो आएंगे, एक आएगा कैलकटा, एक आएगा नागपुर। दूसरा कौन सा मैप में? मद्रास का है 1927। ये वाला मैप बेस नहीं है, कोई वैसे सेपरेट टॉपिक आपको आ सकता है। राइट अ नोट ऑन लाहौर सेशन, व्हाई लाहौर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक तो ये आपने याद रखना है कि क्यों अपोज करना था, किसको अपोज करना था, भूमिका किसको अपोज करना था, किस रीजन के लिए? डोमिनियन स्टेटस जो दिया था, इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड। और यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया, क्या ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दिसंबर 1929 में अगर ऑल इंडिया लेवल पे कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग की, तो इस मीटिंग में उन्होंने क्या डिसाइड किया? दैट वी वांट पूर्ण स्वराज, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस वर्ड को याद रखो, आजादी चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम अपने आप को आजाद डिक्लेयर करते हैं, ब्रिटिशर्स हमें आजादी दे या ना दे, और इसके लिए दिसंबर, अगला ही मंथ जनवरी, ठीक है, कौन सी डेट? 26 जनवरी 1930, अगला मंथ आ गया ना, ठीक है। 26 जनवरी 1930 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब दिसंबर में उन्होंने सारी पार्टी को ये बोला, पार्टी मेंबर्स को, हम कब इकट्ठे होंगे सारे? 26 जनवरी 1930 को इकट्ठे होंगे। कहां पे इकट्ठे होंगे? नियर रावी रिवर, नियर रावी रिवर। वहां पे दो चीजें याद रखना, उन्होंने क्या किया, एक तो रावी रिवर का पानी सभी लीडर्स ने अपने हाथ में लिया, प्लेज लिया। प्लेज का मतलब क्या है कि हम जब तक आजाद नहीं होंगे, तब तक, जब तक हमें पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी, हम स्ट्रगल करते रहेंगे और मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या कहा, दैट 26 जनवरी 1930 विल बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हम अपने आप को आजाद घोषित करते हैं, कौन सी डेट? 26 जनवरी 1930। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम हम तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मनाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 26 जनवरी 1930 को रिकॉग्नाइज नहीं किया, वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। जब हमें आजादी मिली उसके बाद मेन पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949। लेकिन उन्होंने इस डेट को इंपॉर्टेंस देने के लिए 2 मंथ्स की वेट की, नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ, फाइनली कब इंप्लीमेंट हुआ? 26 जनवरी 1950। दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंस। अगर आपको टॉपिक आता है व्हाई 26 जनवरी इज इंपॉर्टेंट इन द ब्रिटिश हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री, तो ये मेन इंपॉर्टेंस है। तो पूरा लाहौर सेशन, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, पीछे इसका रीजन क्या था, 26 जनवरी को रिकॉग्नाइज किया, इसको इंडिपेंडेंस डे बनाया, इसके पीछे क्या रीजन था, 1929 अक्टूबर 1929 को वायसराय ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम पीरियड में कौन थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने हमारी कंट्री को एक डोमिनियन कंट्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसको अपोज किया बिकॉज वो चाहते थे पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 को सेशन बुलाया, पूरे लोगों को इकट्ठा किया और ये डिसाइड किया कि हम सभी लोग कब कहाँ पे मिलेंगे, रावी रिवर के पास, ऑन विच डेट? 26 जनवरी 1930। एंड वहां पर उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया। इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, ब्रिटिशर्स हमें आजादी दे या ना दे, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने इस डेट को एक इम्पॉर्टेंट डेट माना, जस्ट लोगों को इस चीज के लिए एनकरेज करने के लिए कि आप अपने आप को पूर्ण स्वराज के लिए तैयार रखो, हमें अधूरी आजादी नहीं चाहिए,
ठीक है, अपोज किया, ये अल्टीमेटली उनका अपोज करने का एक जिसे हम कहते हैं कि एक तरीका था। उसके बाद इसी डेट को बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, अडॉप्ट किया हमने, लेकिन फाइनली इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, 26 जनवरी 1950, एंड दिस डे इज नाउ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये था सारा लाहौर सेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे मना लिया, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के बहुत सी एट्रोसिटीज की, क्योंकि उनको ये लगा कि ये तो उनके अगेंस्ट एक उनकी जो है इंसल्ट है। ब्रिटिशर्स के रहते हुए इंडियंस ने अपना फ्लैग होस्ट किया, प्लस लोगों को इस चीज के लिए जो है फोर्स किया कि वो किस तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा अपोज किन्होंने किया, महात्मा गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट मार्च एंड सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मतलब यहाँ पे क्यों, महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को लिया क्योंकि दोनों के लिए जरूरी होता है, रिच एंड पुअर। मार्च मतलब पास, मार्च पास मतलब पैदल यात्रा। सिविल मतलब सिटीजंस। डिसओबीडियंस मतलब डिसओबे करेंगे। डिसओबे कैसे करेंगे, सॉल्ट बनाना उस टाइम पीरियड में इसकी मोनोपोली थी, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली मींस राइट, सिंगल राइट किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। इट मींस हमारी कंट्री में कोई भी पर्सन जो था वो नमक नहीं बना सकता था, ना कोई फर्म बना सकती थी, ना कोई फैक्ट्री बना सकती थी, तो कौन बना सकते थे, ओनली ब्रिटिशर्स कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, इसके ऊपर टैक्स बहुत लगा दिया गया। तो जब सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सॉल्ट टैक्स को क्या कर दिया जाए, अबॉलिश। ही वांटेड टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक डेट यानी कि 26 जनवरी को मना लिया इंडिपेंडेंस डे, कोई पर्टिकुलर मंथ याद रखो, 31 जनवरी, सेम मंथ सेम ईयर 1930। क्यों माना जाता है एक इंपॉर्टेंट डेट, बिकॉज ऑन दिस डे महात्मा गांधी ही रोट अ लेटर टू वॉइसराय इरविन। उन्होंने एक लेटर लिखी वॉइसराय इरविन को। इस लेटर में उन्होंने दो तरह की डिमांड्स थी, एक तो जनरल डिमांड्स, एक थी स्पेसिफिक स्पेशल डिमांड्स। उन स्पेशल डिमांड्स में नंबर वन डिमांड क्या थी, टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स, कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है एटलीस्ट वो तो खत्म कर दो, ताकि जो गरीब लोग हैं वो सॉल्ट ले रहे हैं, उनके लिए सॉल्ट बहुत कॉस्टली हो गया था। इसीलिए उस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी जी ने पुअर पीपल को भी अपने साथ लिया, और इसलिए ये सॉल्ट सत्याग्रह, इसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या सोचा कि वो क्या करेंगे, अपने आश्रम, उनका आश्रम था साबरमती रिवर के पास, अहमदाबाद में एक साबरमती रिवर है, उस रिवर के पास ही उनका आश्रम था साबरमती आश्रम। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों को अपने साथ लेंगे, पैदल यात्रा करेंगे साबरमती आश्रम से, कहां जाएंगे, दांडी। दांडी क्या था, एक कोस्टल एरिया था समुन्द्र के पास। अब समुन्द्र के पास क्यों जाएंगे, क्योंकि समुद्र के पानी से क्या बनाना था उन्होंने, सॉल्ट, जो कि उस टाइम पीरियड में इंडियंस नहीं बना सकते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड हिज जर्नी, उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से जर्नी स्टार्ट की 24 डेज, यानी कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट डिसाइड की, 24 डेज लगे उनको जाने में साबरमती आश्रम से दांडी। दांडी एक विलेज का नाम है जो कोस्टल एरिया में है। और फिर आपने इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, किस डेट को वहां पे पहुंचे, किस डेट को पहुंचे, 6 अप्रैल, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी की डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। सो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड सॉल्ट मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह। इसमें आपने 3-4 वर्ड्स याद रखो, नंबर वन उनकी जर्नी कहां से कहां थी, साबरमती आश्रम से दांडी। नंबर टू याद रखो, स्टार्टिंग में जब वो आश्रम से निकले कितने फॉलोअर्स थे उनके साथ, 78, लेकिन जब वो दांडी पहुंचे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइन, उनको रास्ते में कितने लोगों ने ज्वाइन करते रहे, और एंड जहां पे वो पहुंचे तो कितने लोग वहां पे उनको मिले। ठीक है,
फिर और क्या याद रखना आपने, कितनी जो है वो उन्होंने जर्नी ट्रेवल की, ट्रेवल उनका मतलब बताना है कि कितने माइल्स ट्रेवल किया, 240 miles. इसके लिए हमको कितने डेज लगे, 24 days. यानी कि हर रोज में वो कितने माइल्स कवर करते थे, 10 miles. तो ये कुछ आपने इसमें फैक्ट्स बताने हैं. सॉल्ट मार्च, फिर से याद रखो, दैट हिज जर्नी वॉज बिकॉज लॉर्ड वॉइसराय इरविन ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स एंड ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स. देन महात्मा गांधी जी ही डिसाइडेड टू स्टार्ट सॉल्ट सत्याग्रह. उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी कोस तक क्या किया, मार्च. मार्च मतलब पैदल जाना, मार्च पास्ट जिसे कहते हैं. देन कितने वॉलंटियर्स थे उनके साथ, 78 वॉलंटियर्स. अपने घर से जब वो निकले तो उनके साथ 78 थे, लेकिन रास्ते में बहुत से लोगों ने इनको ज्वाइन किया. ठीक है, उनका घर से दांडी कोस कितनी दूर था, 240 miles. ठीक है, और हर रोज यानी कि इनको 10 days लगे. 6 अप्रैल को वो वहां पे पहुंचे. जब वो वहां पे पहुंचे उन्होंने क्या किया, बॉयल द वॉटर एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट बनाया. इसका मतलब उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबे. डिसोबे का मतलब क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स ने जो रूल्स बनाए हैं उनको, रूल्स को तोड़ा, लेकिन नॉट विद अ वॉयलेंट मेथड बट विद अ नॉन वॉयलेंस. ठीक है, और इन्हीं के साथ बहुत से मैन वुमेन एंड लीडर्स दे आल्सो मैन्युफैक्चर सॉल्ट. मैनी पीपल वर अरेस्टेड. बहुत से लोगों को जेल जो है वो किया. जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हुआ. जेल भरो आंदोलन का मतलब, लोग अपने घरों से आते थे, नमक बनाते थे, उनको अरेस्ट करते थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेल जो है वो भर गई थी, लेकिन लोग आना बंद नहीं हुआ. एंड दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन. और जो लोग यहाँ पे नहीं आते थे, अपने अपने घरों के बाहर, वो क्या करते थे, सेम जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन में किया था. 3-4 पॉइंट्स वही बताओगे. मैनी वुमेन दे स्टार्टेड पिकेटिंग लिकर शॉप्स. मैनी पीपल दे अपोज फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ. थर्ड फिर आपने बताना है, मैनी इंडियंस मैन एंड वुमेन दे अपोज द फॉरेन रूल. उन्होंने अपोज किया, बड़े बड़े बैनर्स लेकर, बड़े बड़े जो है उनके पास प्ले कार्ड्स होते थे जिसपे लिखा होता था स्टॉप वॉयलेटिंग, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन. तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत से लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था. मैनी पीपल इवन फॉरेस्ट एरियाज में भी बहुत से लोगों ने क्या किया, रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, फॉरेस्ट एरियाज में एंटर कर गए. तो इसको सारा आपने कंबाइन कर देना. एंड देन मैनी पीपल वर अरेस्टेड. जब लोगों को अरेस्ट किया गया तो अब महात्मा गांधी जी को लगा कि अब पुलिस जो है उन लोगों को अरेस्ट करना बंद नहीं हो रही है. तो उसके बाद फिर लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ. उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, इरविन पैक्ट. क्या है इरविन पैक्ट? रीजन क्या था, महात्मा गांधी जी को लगा कि उनके जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में बहुत से लोग सफर कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा था बिना किसी केस के. ठीक है, पुलिस अपनी पावर्स को मिस यूज कर रही थी. तो 5th मार्च 1931 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि महात्मा गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर देंगे बंद कर देंगे. और इसके लिए कंडीशन क्या हुई, महात्मा गांधी जी ने एक कंडीशन रखी कि जितने भी जेल में लोगों को डाला गया है उनको क्या निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए. और इस एग्रीमेंट को, इस पैक्ट, जो पैक्ट साइन हुआ उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट. ठीक है, एक ये याद रखो. अब आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन गांधी इरविन पैक्ट. क्या था गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन 5th मार्च 1931. अल्टीमेटली द मोटिव, इसमें मोटिव क्या था, इरविन चाहते थे महात्मा गांधी जी को कुछ देर के लिए कंट्री से निकाल दिया जाए. ठीक है, ताकि लोगों को क्या किया जाए, सप्रेस कर लिया जाए. और इस एग्रीमेंट में लंदन में उस टाइम पीरियड में एक कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसको क्या बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आप देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी चलाक थी. मूवमेंट को बंद करवाने का मोटिव उनका क्या था कि महात्मा गांधी जी को वो कंट्री से बाहर भेजना चाहते थे कुछ देर के लिए ताकि लोगों को सप्रेस किया जाए.
ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को ये लगा कि लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से लोगों को जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 5th मार्च 1931 में महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट की नंबर वन कंडीशन क्या थी कि गांधी जी कहां जाएंगे? लंदन। ये कहां पे होनी थी? कहां पे होनी थी? लंदन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ताकि वहां पर जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडियंस के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि जितने भी लोगों को जेल में डाला गया है उनको निकाल दिया जाए। लेकिन आपको पता, जब महात्मा गांधी जी वहां पे गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उनके साथ जो भी उनको प्रपोजल्स रखे, महात्मा गांधी ने किसी भी प्रपोजल को नहीं माना। जब वो वापिस आए तब लोगों को उन्होंने पीछे से इतना टॉर्चर किया, जो उनकी कंडीशन थी कि जेलों से निकाला जाए, जेल से नहीं निकाला गया, और अल्टीमेटली एक तरह से महात्मा गांधी जी को उन्होंने चीट किया। ठीक है, तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने फिर से ये मूवमेंट स्टार्ट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट दिस टाइम पीपल नॉट पार्टिसिपेट, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लोग पता क्या कहते थे? क्या कहते थे कि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? जब चाहे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसके कारण लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से फिर मना कर दिया, और यही रीजन है कि शायद हमें आजादी तब नहीं मिल पाती। अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल होती तो शायद हमें तभी इंडिपेंडेंस मिल जाती। क्लियर? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? हाँ जी, अंशिका, आशिमा, हरलीन, हरसिमरन, कनिष्का, स्टोरी की तरह लर्न करो चैप्टर को। सोचो 10 मार्क्स लेने हैं हमने इस चैप्टर को पढ़ के। जितना हो सके डॉक्यूमेंट्रीज देखो उस टाइम की, इंटरेस्टिंग है, पढ़ लिया हुआ है, अच्छी तरह से आता है, पहले भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हमेशा याद रखो क्वेश्चंस की, हाँ क्वेश्चंस की जो टाइप्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना। आपने, आपको बहुत आता है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना। क्लियर? ओके, थैंक यू।